जय मिथिला बाबू जी। देखिए आज आपको हम 19 नंबर बताएंगे, समझे। देखिए पूरा पूरा 18 तक बता दिए थे शॉर्ट क्वेश्चन में, देखिए आप 19 नंबर बताएंगे। 19 से लेके 24 में जाकर खत्म हो जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, आप अपना बुक देखते रहिए, सेम क्वेश्चन होगा। अरे तो वही होता है कि आपका सेशन मान लीजिए पुराना साल वाला होंगे, लिए होंगे तो ये तो फट गया थोड़ा, तो आपका ये होगा, हमारा जो 19 नंबर में होगा जो आप, वो आपका 20 नंबर में रहेगा। क्या बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि री इशू करिए और फॉरफिटेड करिए, मतलब क्या पहले हम क्या पढ़ रहे हैं कि शेयर को जब्त करो मतलब फॉरफिट करो, ये पढ़ चुके हैं, उसके बाद जो जब्त किया हुआ है उसको री इशू करो, यही पढ़ रहे हैं 18 तक में। अब क्या बोले दोनों को साथ में बनाइए, तो कोई दिक्कत नहीं, बनाने में क्या जा रहा है, दोनों को साथ में बना देंगे। द डायरेक्टर ऑफ डी लिमिटेड क्या बोला, डायरेक्टर ऑफ डी लिमिटेड रिजॉल्व ऑन 1 मई 2023 डेट 2021 शेयर ऑफ 10 रुपया ईच 7.50 पेड बी फॉरफिटेड फॉर द नॉन, मतलब क्या हुआ कि 2000 शेयर इशू किया हुआ था डी लिमिटेड, समझे, जिसमें से क्या हुआ 7.50 रुपया तो दे दिया लेकिन 2.5 रुपया नहीं मिला शेयर पे, तो वो क्या किया पूरा पूरा जब्त कर लिया शेयर, ठीक है, जितना भी आदमी का था जब्त कर लिया। और ये जो 2000 शेयर था उसमें से 1800 ऑफ दी शेयर वन इशू डेट शो, उसमें से क्या हुआ 1800 शेयर जो है ना फिर से बेच दिया। अब मन होगा तो 2000 बेच देगा, 1900 बेच देगा, मतलब वो 1800 बेचा है तो उस हिसाब से देखेंगे। इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2000 शेयर था 7.50 रुपया मिल गया एक शेयर पे, मतलब 7.50 रुपया मिल जाएगा, जितना मिलेगा उतने पैसा जब्त करेंगे, बताए हुए थे पूरा डिटेल में आपको ये सब कि किसको जब्त करें किसको नहीं। देखिए आपको कितना 2000 शेयर है, 2000 शेयर गुना 7.50 इज इक्वल टू 15000 रुपया हमको मिला है, तो 15000 रुपया जब्त करेंगे, पहला ये काम ये करेंगे 15000 रुपया जब्त करो, ठीक। और ये कितना रुपया नहीं मिला है 2.5 रुपया एगो शेयर पे, देखिए कितना, हाँ दिख रहा होगा आपको, देखिए 15000 रुपया हमको मिल गया है तो 15000 रुपया हम क्या कर लेंगे जब्त कर लेंगे, ठीक। तो आपको और उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना जाएगा, 2000 शेयर है 10 रुपये दर से हम लेना चाहते थे, हाँ तो कितना हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना चल जाएगा, मतलब मेरे पास कैपिटल आता कितना, तो 20000 रुपया मेरे पास आता, मतलब शेयर इशू किए तो 2000 रुपया और 10 रुपये दर से बेचे हुए थे, मतलब 20000 रुपया आता, लेकिन नहीं आया तो उस शेयर को हम जब्त कर लेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को जब बकाया किए होंगे तो क्या लगाते हैं एंट्री, क्रेडिट करते हैं, अभी इसको हम क्या कर रहे हैं रिटर्न ऑफ करना है तो इसलिए हम इसको डेबिट कर दिए 20000 रुपया। डेबिट क्रेडिट आपको क्यों करते क्यों ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बार बार क्यों बताएंगे, क्योंकि हम 18 नंबर तक बता दिए ना, फिर भी एक वीडियो बनाए हुए हैं तो उसमें आपको पूरा पूरा डिटेल में पता चल जाएगा, ठीक ना बाबू। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आपको पता चल जाएगा डेबिट क्यों है क्रेडिट क्यों, क्योंकि बार बार बताना क्या वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक, उसमें टाइम भी लग जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम 18 नंबर तक बना लिए हैं तब ना आप 19 नंबर पर आए हैं, तो 18 नंबर तक बता दिए। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिकॉर्ड 5000 रुपया, फाइनल कॉल में कितना जाएगा 5000 रुपया, क्यों, क्योंकि 2000 शेयर है 2.5 रुपये दर से नहीं मिल रहा, 25 × 50 1, 2, 3 50000 हुआ, 1.2 के बाद 0, मतलब 5000 रुपये क्या हो जाएगा कि हमारा नहीं मिला, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को क्रेडिट कर देंगे, ठीक, 5000 रुपये से जितना मिला उसको जब्त कर लेंगे। डेबिट क्रेडिट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, देख लीजिएगा वहाँ से, समझे। अगर मान लीजिए 18 तक नहीं बनाए हैं तब ऐसा हो नहीं सकता है। 19 नंबर देखिए 20 नंबर देखिए बाबू क्या बताए, 10000 शेयर का दाम रखा, 2 रुपया प्रीमियम पे बेचा है, पेबल 5 रुपया ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपया एप्लीकेशन पे, 5 रुपया अलॉटमेंट पे ले रहा है जिसमें प्रीमियम है 2 रुपया, ठीक ना। अब बैलेंस शीट बचा कितना, 5 रुपया एप्लीकेशन पे और 3 रुपया अलॉटमेंट में, क्योंकि 2 रुपया प्रीमियम जुड़ा हुआ है, तो 5, 3, 8 अर्थात फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कितना रुपया लेगा, 2 रुपया लेगा। लेकिन क्या हुआ, मुकेश हु हैड 1000 शेयर जिसके पास था, मुकेश नाम का बंदा था, वो आपको फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं दे पाया, मतलब 2 रुपये दर से नहीं दे पाया, मतलब 2000 रुपये नहीं दे पाया तो जब्त कर लेगा, अर्थात दिया कितना 8000 रुपये दिया, 2000 रुपये नहीं दिया, सॉरी 1000 रुपये है और प्रीमियम को तो गोली मारी क्योंकि प्रीमियम मिल गया है, तो हाँ 10000 रुपये में से 2000 रुपये दिया, मतलब सॉरी नहीं दिया, मतलब 8000 रुपये दिया होगा, उसे दिया है 2000 रुपये एक्स्ट्रा, लेकिन प्रीमियम का तो नहीं जोड़ते हैं क्योंकि दे दिया पैसा, वो कंपनी का ऊपरी कमाए, ठीक। अभी बताते हैं उसके बाद क्या हुआ, उसको फिर से बेच दिया 11 रुपये में, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे वैसे समझेंगे तो और समझ में आएगा। देखिए
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1000 शेयर इशू किए हुए थे 10 रुपये दर से, मतलब कि हम बोले हुए थे कि मेरे कैपिटल मेरे पास कितना आ जाएगा पूंजी कि 10000 रुपये आया जाएगा, लेकिन नहीं आया तो हम जब्त कर लेंगे, इसलिए क्रेडिट रहता है तो हम डेबिट कर देते हैं। ठीक, कैपिटल बढ़ा था तो अब हम क्या कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, तो उसको नलीफाई करना है, रिटर्न ऑफ करना है, इसलिए हम डेबिट कर देंगे 10000 रुपये से। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना हो जाएगा 8000 रुपये से, मतलब जब्त कितना किए हैं 8000 रुपये का। ठीक, इक्विटी शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉलिंग कितना करेंगे क्रेडिट 2000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। ठीक, फॉरफिट कितना करेंगे 8000 रुपये, क्योंकि 8000 रुपये दे दिया क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन 2 रुपये जो है नहीं दिया है, तो 2000 रुपये 2 रुपया नहीं दिया है, एगो शेयर पे 1000 शेयर रखा हुआ था अर्थात 2000 रुपये नहीं दिया था, हम जब्त कर लेंगे। ठीक, डेबिट क्रेडिट क्यों कैसे है लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि इस शेयर को हम क्या करें, फिर से इशू किए, मतलब उस शेयर को हम फिर से इशू किए, लेकिन आपको कितना रुपये लिए उस शेयर पे, अच्छा इस शेयर को नहीं 1000 में 600 शेयर इशू किए, या 1000 में 600 इशू किए लेकिन 11 रुपये से इशू किए हैं, 11 रुपये 600 शेयर इशू किए लेकिन 11 रुपये से, तो मतलब कितना हो जाएगा 11 6600, मतलब 6600 रुपया मेरे बिजनेस में आएगा तो मेरे पास पैसा कितना से बढ़ जाएगा, बैंक शेयर कितना से बढ़ जाएगा 6600 से, जिसमें से 1 रुपया किस पे आ रहा है, क्योंकि 10 रुपया का शेयर है ना, लेकिन 11 रुपया कोई हमको दे रहा है, तो हमारा ऊपरी कमाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब कॉमर्स में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, शेयर वाला क्वेश्चन में क्या बोलते हैं उसको, कि प्रीमियम मिला है हमको, एक्स्ट्रा पैसा मिला है। ठीक ना, गुडविल भी लिख सकते हैं, गुडविल के कारीजन से जो है ना मिलेगा, रीजन में दे देंगे, गुडविल भी दे सकते हैं, गुडविल बढ़ा रहता है, कोई आपको ज़्यादा रुपया क्यों देगा, आईफोन रहता है 50000 का लेकिन 1.5 लाख रुपया क्यों देता है, क्योंकि उसका गुडविल अच्छा है, कंपनी का वैल्यू अच्छा है, कंपनी का नाम चलता है, ठीक है, ब्रांड बढ़िया है, इसलिए ना, तो इसलिए है कि 10 रुपये की चीज़ को 11 रुपये में बेचा तो वो ऊपरी कमाई हो गया, ऊपरी कमाई को मतलब क्या हो गया, इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ता है क्या करो क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट कर दे, लेकिन उसको बोलेंगे कैपिटल तुम्हारा बढ़ा 6000 रुपये से, 6600 रुपये दिए लेकिन तुम्हारा पूंजी कितना से बनाएंगे लिखेंगे हम 6000 रुपये से लिखेंगे। ठीक, फिर क्या हुआ कि देखिए कंपनी में क्या हो गया कि एक्स्ट्रा पैसा, शेयर फॉरफिटेड कितना किए थे 8000 रुपये जब्त किए हुए थे, 8000 रुपये हम जब्त किए हुए थे, 8000 रुपये हम क्या कर दिए थे जब्त किए हुए थे। ठीक, 8000 रुपये हम उसको क्या कर दिए थे जब्त किए हुए थे, देखिए आपको लॉस भी लगा इसमें। ठीक, देखिए 600 शेयर सिर्फ री इशू किए हैं, हाँ तो उसका पैसा कहाँ चले जाएगा, ये 600 शेयर पर हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, पूरा बात करें तो 1000 शेयर इशू किए हुए थे तो हमको मतलब क्या हो, जब्त करने से हमको प्रॉफिट हुआ 8000 का। ठीक ना, कि पैसा नहीं दिया 8000 रुपये दे दिया लेकिन 2000 रुपये नहीं दिया था, हम जब्त कर लिए तो मतलब हमको फायदा हो गया था 8000 रुपये का 1000 शेयर पे, लेकिन क्या बोल रहा है कि फिर से हम री इशू कितना पे किए हैं, री इशू किए हैं 600 किए हैं, तो 600 पे आपको 8 रुपये दर से मिलेगा, मतलब 4800 रुपये सिर्फ और सिर्फ हमको फायदा हुआ है। वैसे 1000 शेयर इशू किए हुए थे उस पर 8 रुपये दर से, मतलब 8000 रुपये हमको जो है प्रॉफिट हुआ है कि हम जब्त कर लें, जब्त करने से 8000 रुपये प्रॉफिट हुआ है, लेकिन 1000 शेयर पे जिसमें से अगर मान लीजिए 1000 के 1000 दूसरे को बेच देते तो ये दिखाते कि 8000 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन सिर्फ 600 बेचे हुए हैं। ठीक है, क्या पता 400 में हमको लॉस लग जाएगा, 400 कोई शेयर नहीं लेना चाहता है तो हम बोलेंगे या 10 रुपया की चीज़ है तुम 7 रुपया हम ले लो, 8 रुपया हम ले लो, लेकिन ले लो उसके लॉस हो जाएगा तब, अर्थात कॉमन सेंस वाली बात है, या फिर मान लीजिए कि कॉमन समझने वाली बात है क्या कि बाबू 600 शेयर इशू किए, 600 शेयर पे हमको फायदा ही हो रहा है। ठीक ना, कि 10 रुपया की चीज़ को 11 रुपया में हम बेच दिए, अर्थात पहले जो हम इशू किए हुए थे उस टाइम क्या हुआ था, जब्त करने से हमको प्रॉफिट होगा 600 शेयर पे कितना 4800 रुपया, तो वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। वैसे 1000 पे 8000 पे 8000 पे हमको प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन 8000 में 1000 शेयर है लेकिन उसमें से 4800 रुपया होगा वो आपको 600 शेयर पे प्रॉफिट पे हुआ है हमको, तो 600 शेयर पे प्रॉफिट हुआ है, 600 शेयर इशू ही किए हुए हैं तो वो हमारा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। प्रॉफिट जो होता है एक्स्ट्रा इनकम जो हम जब्त करने से हुआ है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, 4800 रुपया ही ट्रांसफर होगा ना कि 8000 रुपया। होता 8000 रुपया लेकिन कब, जब हम 1000 के 1000 जो है रीइशू करते तब, लेकिन 600 किए हुए क्या पता बचा हुआ 400 में घाटा लगेगा या फिर 10 रुपया की चीज़ को 15 रुपया में बेच देंगे, तो दूसरा बात हो गया। ठीक, शेयर फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व का 21 नंबर देखिए बाबू क्या बोल रहे, 21 नंबर देखिए, एक्स लिमिटेड फॉर फिटेड 500 शेयर फॉर फिट क्या ऑफ मुन्ना 10 रुपया इच कॉल्ड ऑफ फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल 2 रुपया पर शेयर एंड फाइनल कॉल 2 रुपया पर शेयर।
चलिए कोई दिक्कत नहीं। मुन्ना 10 रुपया इच फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल 2 रुपया एंड फाइनल कॉल 2 रुपया, मतलब 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया, 4 रुपया 2 रुपया फाइनल कॉल पे नहीं दिया। 500 शेयर इशू किए थे मुन्ना को, जिसमें 300 शेयर ऑफ दिस शेयर वर रीइशूड, क्या हुआ था हम उसको जब्त कर ले, 500 शेयर दिए हुए थे उसको हम जब्त कर ले, जिसमें से 300 शेयर को क्या कर दिए, रीइशू कर दिए 9 रुपया में, जनरल एंट्री पास करें कोई दिक्कत नहीं। पहले 500 शेयर जो जब्त करना है, जब्त करने का एंट्री लगाइए पहले, तो 500 शेयर है 10 रुपये दर से उसको दिए हुए थे, मतलब बोले हुए थे कितना हमको 5000 रुपये हमारा बिजनेस में आएगा, कैपिटल बढ़ेगा, ठीक। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना हो जाएगा 1000 रुपये, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिखिए 500 शेयर इशू है, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया नहीं मिला, फर्स्ट फाइनल कॉल पे नहीं मिला, अर्थात कितना है 1000 1000 2000 रुपये नहीं मिला, अर्थात कितना मिला होगा 3000 रुपये मिला होगा, क्या बाबू ऐसे ही होगा ना कि 2000 रुपये नहीं मिला क्वेश्चन के हिसाब से, अर्थात 3000 रुपये मिला होगा क्योंकि पूरा 5000 रुपये मिलने वाला था, ठीक। जब 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 कर ले, या ऐसे भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, उसे पता होगा कि 4 रुपया मिल गया था, अर्थात कितना रुपया नहीं मिला होगा, 6 रुपया नहीं मिलेगा, मिला होगा 500 शेयर है 6 रुपया नहीं मिला होगा, अर्थात 3000 रुपया, सॉरी 500 शेयर है 6 रुपया मतलब मिल गया है, अर्थात 3000 रुपया हमको मिल गया, जितना मिलता है उतना जब्त कर लेते। अब क्या हुआ, उसमें से 300 शेयर जो बाबू हम फिर से इशू किए, लेकिन 9 रुपये दर से, 10 रुपया का चीज़ 9 रुपया में बेचे हुए, अर्थात हमको पैसा कितना आ जाएगा 2700 रुपया आ जाएगा हमारे बिजनेस में, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2700 रुपया से, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ साथ हमको क्या हो जाएगा कि 10 रुपया का चीज़ था मिलना, बेचना चाहिए था कितना में, 10 रुपया का चीज़ था अर्थात 3000 रुपया आना चाहिए था, लेकिन हम बेचे हुए 9 रुपया में, अर्थात 300 रुपया का घाटा लग रहा है हमको, तो घाटा बोलेंगे, घाटा का नहीं लग रहा है बाबू, बोलेंगे क्या बिजनेस को घाटा नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि पहले हम ही उसी शेयर को जो मतलब अच्छी था, पहले ही हम 3000 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए हैं जब्त करने से, वो हमको 3000 रुपये दे दिया था, 2000 रुपये नहीं दिया था तब ना जब्त कर लिए थे, तो हम बोलेंगे 3000 रुपये तो पहले ही हम कमा लिए हैं, तो दिक्कत लेने वाली बात क्या है, 3000 रुपये हम पहले ही कमा लिए हैं, अर्थात कितना हो गया कि 300 रुपये अब हमारे घर से भी जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, कि कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा घाटा में भी बेच रहे, सेकेंड हैंड हो गया ना बाबू, थोड़ा घाटा में भी बेच रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो 300 रुपये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट कर देंगे और 3000 रुपया को क्रेडिट कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना से बढ़ाएंगे उसका, कि बोलेंगे तुम्हारा कैपिटल बढ़ जाएगा 3000 रुपया से, ठीक ना, लेकिन तुम 2700 रुपया दो क्योंकि सेकंड हैंड हो गया है ना, ठीक ना, 300 रुपया हमारा बिजनेस का लॉस होगा ना, तो लॉस हम कहाँ से ले लेंगे, बोलेंगे पहले जब्त किया है ना, तो लॉस भी काहे मान रहे उसको, ठीक। आप देखिए कितना इशू किया है, 300 इशू किया है, 6 रुपये दर से 1800 रुपया हमको मिलने वाला था, मतलब सॉरी 300 शेयर था, 300 शेयर रुपये अगर मान लीजिए कोई पैसा नहीं देता हम जब्त कर लेते तो 6 रुपये दर से तो पैसा दे दिया, मतलब 1800 रुपया हमको प्राप्त हो जाता। और उस प्राप्त पैसा को क्या कर दिया, हम रखे हुए थे, अब क्या हुए 300 शेयर हम दूसरे आदमी को दे दिए, जिसमें हमको देने से क्या हो गया कि 300 रुपये का लॉस लग रहा है, अर्थात अभी भी 1500 रुपया बचा होगा मेरे 300 शेयर में, तो 1500 रुपया कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, समझ बात को, कि हम 500 शेयर इशू किए हुए थे, 500 शेयर इशू किए हुए थे, 6 रुपये दर से मिल गया था, अर्थात क्या हुआ 3000 रुपये हम जब्त कर लिए, लेकिन 3000 रुपये जब्त किए तो 500 रुपये 500 शेयर को हमको फिर से इशू करना चाहिए, लेकिन हम नहीं किए, हम सिर्फ और सिर्फ किए 300 शेयर को फिर से इशू, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 300 शेयर को जब्त करता, 500 शेयर की जगह 300 शेयर को जब्त करता, तो 6 रुपये दर से कितना कंपनी को प्राप्त होता, 1800 रुपया प्राप्त होता, प्राप्त कितना होता 1800 रुपया प्राप्त होता, अब 1800 रुपया प्राप्त होता तो 300 शेयर को जब्त करता, क्वेश्चन के हिसाब से 300 शेयर क्या कर दिया, फिर से इशू कर दिया, जिसके कारण 300 रुपया का लॉस लग रहा है, अर्थात बोलेंगे लॉस नहीं है, क्योंकि 1800 रुपया तो पहले कमा लिए उसी शेयर पे 300 शेयर पे, अर्थात 1500 रुपया अभी भी प्रॉफिट में है, 1500 रुपये कहाँ ट्रांसफर कर दो, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, कैपिटल रिजर्व में क्यों ट्रांसफर करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ठीक ना, समझ लीजिए क्यों किए हुए, 1500 रुपया ये हो जाएगा, ठीक ना, पूरा डिटेल में बताए हुए वहाँ पे बाबू, ठीक। ये हो गया 21 नंबर में, 22 नंबर देखिए आपको क्वेश्चन में, 22 नंबर क्वेश्चन बाबू देखिए क्या बोला, कि नेशनल हैवी केमिकल लिमिटेड इशूड 500 शेयर ऑफ 10 रुपये इच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक से 5 रुपये अप्लीकेशन पे, 7 रुपये अलॉटमेंट पे, और जो बचा होगा 5-5 10 रुपये तो ही गया। रमेश हु वाज अलॉटेड 200 शेयर बाय द कंपनी फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, अच्छा अलॉटमेंट पर मनी नहीं दे पाया, ही सेवर और फॉरफिटेड, चलिए कोई दिक्कत नहीं हम जब्त कर लिए और 100 को कर दिए, चलिए पहले इतना तक देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन क्या 22 नंबर तक देखते हैं,
अलॉटमेंट में प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला हुआ है, प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो उसको उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्यों? रीजन डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं कि मान लीजिए कभी हम प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करते हैं कभी नहीं करते हैं। क्यों? पूरा डिटेल हम बता दिए बाबू, ठीक ना। क्यों? एक मिनट में बता देते हैं क्यों, क्योंकि हम पहले बकाया का एंट्री हो किए होंगे। अब बकाया का एंट्री किए हुए होंगे तो उसको काटने के लिए क्रेडिट किए थे, डेबिट करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। अगर मान लीजिए पैसा मिल जाता, अलॉटमेंट का पैसा, प्रीमियम का पैसा मिल जाता तो हम यहाँ पे डेबिट नहीं करते। क्यों? क्योंकि बोलते कंपनी का ऊपरी कमाई है तो वो लौटाएगा भी नहीं, ठीक ना, उसको जब्त करना भी नहीं होगा। 2000 शेयर कैसे हैं? नेशनल हैवी 5000 शेयर इशू किया, कोई दिक्कत हमको उससे लेना देना नहीं। 5000 करे या 50000 शेयर केयर करे, ठीक ना। उसमें से हम जब्त किए हैं 200 शेयर 10 रुपये दर से, अर्थात हमारे बिजनेस में कैपिटल अकाउंट कितना से बढ़ता, मतलब आता कितना पैसा, 2000 पे आता, क्योंकि 200 शेयर हम इशू किए हुए थे। ऐसे समझिए सिर्फ 5000 को गोली मारिए, क्योंकि वो नहीं दिया उसी के बारे में सोचेंगे ना। और प्रीमियम कितना मिलता हमको, 400 रुपया, लेकिन नहीं मिला। जिसमें से अलॉटमेंट का पैसा कितना हो जाएगा, 1400 रुपया नहीं दिया, मतलब 200 शेयर दिए हुए थे 7 रुपये दर से, मतलब 7 × 2 = 1400 रुपया नहीं मिला शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो मिला कितना तब, मिला कितना था बाबू, 200 शेयर था, 5 रुपये दर से मिल गया है, क्वेश्चन के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अर्थात 1000 रुपये मिल गया, तो उसको जब्त कर लेंगे। फॉरफीट मतलब होता है जब्त करना, डेबिट क्रेडिट रीजन पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक। उसी शेयर को क्या कर दिए, जब्त कर लिए, 200 शेयर जब्त किए, उसमें से 200 शेयर जब्त करने से हमको फायदा हुआ 1000 रुपया, उसमें से 100 शेयर हम क्या कर दिए क्वेश्चन के हिसाब से 8 रुपये दर से बेच दिए। 10 रुपये का चीज को हम क्या कर दिए, 8 रुपये में बेच दिए 100 शेयर। 200 शेयर जब्त किए थे जिसमें से 100 शेयर सिर्फ इशू किए हुए, तो मतलब मेरे पास आएगा इतना, कितना, 800 रुपया आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 800 रुपया हो जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना हो जाएगा, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना से डेबिट हो जाएगा, 200 रुपया से डेबिट हो जाएगा। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना से डेबिट हो जाएगा, 200 रुपया से डेबिट हो जाएगा, ठीक बाबू, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। क्यों? अब देखिए, अगर मान लीजिए 200 शेयर जब्त करने से हमको 1000 रुपया का प्राप्त हुआ, 200 शेयर जब्त करने से हमको 1000 रुपया प्राप्त हुआ, क्वेश्चन के हिसाब से 1000 रुपया प्राप्त हुआ जब्त किए तो 200 शेयर। अगर मान लीजिए एगो शेयर जब्त करते तो हमको 1000/200 रुपया मिलता, उसी हिसाब से मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 100 शेयर हम जब्त करते तो हमको कितना मिलता, 1000/200 × 100 रुपये, इधर इधर 2 × 2 = 10, मतलब 500 रुपया हमको मिलता। ऐसे भी बना सकते हैं कि थोड़ा देर के मान लीजिए कि 200 शेयर जब्त किए तो हमको 1000 रुपये मिला, और मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए हम 100 शेयर जब्त करते तो हमको कितना मिलता, 500 रुपया मिलता। या तो ऐसे भी बना लीजिए, या 100 शेयर पर 5 रुपया मिल गया, अर्थात 500 रुपया हमको मिल गया है, उतना ही जब्त कर लेंगे, बात बराबर दोनों साइड से, इधर से कान पकड़ या उधर से, ठीक। तो 500 हो गया बाबू, समझिए बात को, 500 शेयर हमारे, 100 शेयर पे हमको फायदा हो रहा है 500 रुपया, जिसमें से 200 रुपया का घाटा हो गया, क्योंकि री इशू करने से 10 रुपया की चीज़ को हमको सेकेंड हैंड था तो 8 रुपये में बेचना पड़ा, तो 200 रुपया से घाटा हो रहा है। बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, 300 रुपया तो अभी बचा है ना, 300 रुपया कहाँ ट्रांसफर कर दो, तो क्रेडिट अकाउंट में, ठीक। 1000 रुपया में से क्या हो गया कि 1000 रुपया में से हम क्या कर देंगे कि बनता है 100 शेयर का कितना, 500 रुपया, 500 में से 200 रुपया तो घाटा हो रहा है फिर से इशू करने से, हाँ, तो अर्थात 300 रुपया का फायदा हो रहा है, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर। लास्ट दो क्वेश्चन है, एक तरह का क्वेश्चन है, 23-24 नंबर। ये शेयर होल्डर अप्लाइड फॉर 10000 शेयर, इसमें क्या है, प्रोराटा वाला केस है कि 5000 शेयर मांगा, उसमें से हम 2000 शेयर दिए, इस टाइप का क्वेश्चन है। ये शेयर होल्डर अप्लाइड फॉर 10000 शेयर, 10 रुपया इच का, 2 रुपया प्रीमियम पर, ही वॉज अलाउटेड 8000 रुपया, मतलब 10000 शेयर के लिए इशू किया था उसको 8000 दिए, ठीक। आफ्टर हैविंग पेड 6 रुपया शेयर, ठीक, ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, 6 रुपया नहीं दिया, जबकि प्रीमियम का पैसा दे दिया है, प्रीमियम में एप्लीकेशन में पढ़ ले लिए, और उसको फिर से रीइशू कर रहे हैं 70000 में। चलिए कोई दिक्कत, पहले ये देख लेते हैं, पहले हमको जब्त करना है 23-24। इस क्वेश्चन में देखिए, 10000 शेयर के लिए इशू किया हुआ था
हम बोले थे कि सिर्फ कितने रुपए दर से, 10 रुपए दर से प्रीमियम मिल गया तो गोली मारी उसको, मतलब 10,000 शेयर है कि 1,000, 10,000 मतलब 1,00,000 रुपये हमको वो दे दिया था अप्लीकेशन पे कि हमको दीजिए 10,000 शेयर, लेकिन मेरे पास नहीं था उतना, था हम कितना दिए सिर्फ और सिर्फ 8,000 शेयर उसको दिए, अर्थात हम कितना एक्सेप्ट किए 80,000 रुपये एक्सेप्ट किए। और बोले क्या बाबू कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 8,000 शेयर इशू किए तो उस हिसाब से 80,000 रुपये वो हमको देता, लेकिन पहले ही 1,00,000 रुपया दे दिया था कि क्या पता 10,000 शेयर दे देगा, लेकिन मेरे पास था नहीं तो हम सिर्फ कितना दिए 8,000 रुपये। हम बोले कि जो पैसा 20,000 रुपये जो बचा हुआ है वो 20,000 रुपया ना अगले किस्त दीजिएगा ना अगले महीना में, उस महीना में उतना कम दीजिएगा। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इस हिसाब से प्रोडाटा चलता है, क्या हो गया उतना कम लेंगे। लेकिन जब हम मांगने गए तो वो हमको पैसा देबे नहीं किया, दूसरा किस्त का कितना पैसा बनता है, 6 रुपया बनता है, 8,000 शेयर के हिसाब से 6 रुपये दर से मतलब 48,000 रुपये हम उससे मांगने गए कि दे दीजिए 48,000 रुपये दे दीजिए, लेकिन दिया ही नहीं वो हमको, भाई आपका बनता है तो दे दीजिए, नहीं दिया तो हम जब्त कर लिए। हम क्या कर लिए बाबू, हम क्या कर लिए, जब्त कर लिए। तो देखिए आपको हम क्या कर लिए बाबू, जब्त कर लिए, ठीक ना, सॉरी 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया वो क्या करेंगे, वो तो आपको 8,000 शेयर पे, देखिए पहले एप्लीकेशन में कितना मिला है तो 10 रुपया पूरा का पूरा मिलता, लेकिन एप्लीकेशन में कितना मिला है, 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो एप्लीकेशन का पैसा हमको 6 रुपया दिया हुआ है, 6 रुपया दिया है, ठीक है ना, प्रीमियम भी जुड़ा और 60,000 रुपया हमको प्राप्त हुआ था, ठीक एप्लीकेशन का बात करेंगे, ठीक अर्थात एक्स्ट्रा कितना मिला है, 12,000 रुपया मिला है, 20,000 तो पूरा मिलता ना लेकिन दिया ही नहीं तो उसको जब्त कर लेंगे। तो क्या हो गया कि एप्लीकेशन पे कितना रुपया हमको एक्स्ट्रा दिया है, 12,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया था। हम बोले 12,000 रुपये काहे लौटाएंगे आपको, जो दूसरा किस्त दीजिएगा, दूसरा किस्त में भी कितना मांग रहा है, दूसरा किस्त में भी 8,000 शेयर इशू किए हुए थे 6 रुपये दर से, दूसरा किस्त मतलब अलॉटमेंट में हम कितना बोले थे 48,000 रुपये दीजिए। तो बोलेगा 48,000 रुपये देंगे लेकिन पहले ही आपको कितना दे दिए हैं, 12,000 रुपये दे दिया। बोले हाँ 12,000 रुपये तो अब तुम पहले ही दे दियो, अर्थात अब कितना दोगे तुम, अब कितना दोगे तुम, 48,000 रुपये देता हमको, 4 में से 1 घटा तो 3 होता है ना, 36,000 रुपये हमको किस पे देता, अलॉटमेंट में मिलता। वैसे अलॉटमेंट में मिलना चाहिए था कितना, 48,000 रुपये, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि 6 रुपये दर से आपको मिलेगा पैसा, 8,000 शेयर इशू किए हुए थे 6 रुपये दर से, लेकिन बोलेंगे क्या ठीक है कोई दिक्कत, 6 रुपये दर से मिलेगा मतलब 48,000 रुपये मिलेगा हमको, लेकिन एक चीज़ और है क्या कि पहले ही 12,000 रुपये दे दिया है, पहले ही कितना दे दिया, 12,000 रुपया दे दिया है, ठीक ना, क्योंकि 10,000 के लिए वो अप्लाई कर दिया था तो हम उसको लौटाए नहीं कि 10,000 रुपया के लिए 6 रुपये दर से हमको दे दिया था, मतलब 60,000 रुपया दे दिया था, उसको देना चाहिए था कितना, क्योंकि 8,000 हम शेयर इशू किए मतलब 48,000 रुपया देना चाहिए, लेकिन 60,000 रुपया दे दिया मतलब 12,000 एक्स्ट्रा दे दिया था, तो हम बोले अगले किस्त में तुम उतना नहीं दोगे हमको, ठीक। तो अभी हम अलॉटमेंट में कितना रुपया मांगेंगे उससे, सिर्फ और सिर्फ 36,000 रुपया, वैसे बनता है 48,000 रुपया लेकिन मांगेंगे 36,000 रुपया, क्यों, क्योंकि बोलेंगे 12,000 तो पहले दे दिया है ना इसलिए, और बाकी जो बचा उसको क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, बाकी जो होगा क्या कर लेंगे, उसको जब्त कर लेंगे, ठीक। देखिए तो क्या हो जाएगा बाबू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्या कर देंगे, 36,000 रुपया, ठीक ना, 80,000 था, सॉरी 8,000 शेयर इशू किए हुए थे, 10 रुपये दर से उससे लेते प्रीमियम को गोली मारे, क्योंकि प्रीमियम मिल गया है, ठीक। तो 80,000 रुपये मिलता जिसमें 36,000 रुपये नहीं मिला, इसका मतलब कितना मिला होगा, 44,000 रुपये मिला होगा, 44,000 रुपये मिला तो उसको क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, ठीक। ये हो गया 44,000 रुपये मिल, जितना मिलता है उतना हम जब्त कर लिया 800 शेयर का। देखिए अब उसको क्या कर दिए, क्वेश्चन के हिसाब से फिर से रीइशू किए, क्या कर दिए, फिर से इशू किए, रीइशू किए कितना में किए, 70,000 में एज फुल्ली पेड अप, चलिए 80,000 का मिलना चाहिए था लेकिन हम 70,000 में रीइशू कर दिए। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, अरे 44,000 रुपया तो पहले भी हमको मिल गया है ना, 44,000 रुपया हमको पहले भी मिल गया हुआ है, 44,000 रुपया हमको क्या हो गया, पहले भी मिल गया हुआ। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, 70,000 में अब बेचने पड़ रहा है, दोबारा सेकंड हैंड है, 80,000 का चीज़ है, 70,000 में बेचना पड़ रहा है, तो क्या हो गया फिर से रीइशू करने में, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 70,000 रुपया, 10,000 रुपया जो लॉस लग रहा है वो बोलेंगे लॉस काहे मानिएगा उसको, क्योंकि 44,000 रुपया तो उसको पहले बार जब इशू किए हुए थे तो मिल गया था, हाँ, तो 10,000 रुपये क्या कर देंगे, शेयर फॉरफिट अकाउंट को डेबिट कर देंगे 10,000 रुपये से। अब बाकी बचा प्रॉफिट 44,000 रुपया जब्त करने से मिला हुआ था, 10,000 रुपया घाटा लगा था, हम बोले कि घाटा है रीइशू करने से तो उसको माइनस कर दीजिए, अर्थात 44,000 में 10,000 घट जाएगा, 34,000 रुपये बचेगा, 34,000 रुपये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा।
चौंतीस हजार बाबू कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। मतलब क्या कि एगो शेयर था, एगो शेयर ना 8000 शेयर था, उसको क्या कर लिए, जब्त किए, तो हमको फिर से इशू करने में हमको फ़ायदा कितना हुआ, 34000 का फ़ायदा हुआ। ठीक है, कोई गाड़ी मान लीजिए कि 1 लाख का रहता है, उसको आप मान लीजिए 70000 रुपया वो दे दिया है, हाँ, आप फिर जो 30000 पे नहीं दिए तो आप जब्त कर लिए, उसी सेकेंड हैंड गाड़ी को आप मान लीजिए कि 50000 में बेच दिए, तो आपको कितना का नफा हो गया, 20000 का नफा हो गया। वही बात है यहाँ पे। 24 में देखिए, 24 क्वेश्चन में देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपको कि दिल्ली क्लॉथ मिल्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10000 इक्विटी शेयर के लिए इन्वाइट किया, 100 रुपया ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10 रुपया, चलिए कोई दिक्कत, 10 रुपया प्रीमियम पे पेएबल एज 50 रुपया ऑन अप्लीकेशन, 35 रुपया अलॉटमेंट पे और 25 रुपया फाइनल कॉल पे, इस तरीके से मिल रहा पैसा। मिस्टर आलम हु हैड अप्लाइड फॉर 500 शेयर वर अलॉटेड 400 शेयर, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब इसी को लेके जाना है हमको कि जिसका जब्त किए हैं उसके बारे में हम सोचेंगे कि 500 शेयर के लिए वो अप्लाइड किया था और 400 शेयर हम उसको दिए। ही फेल टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया, मतलब प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया होगा। दिया कितना अप्लीकेशन का, 500 शेयर के लिए अप्लाई किया, 500 शेयर के लिए अप्लाई किया, 50 रुपये दर से मतलब 25000 रुपये वो हमको दे दिया होगा, दे दिया होगा, जितना दे दिया होगा उतना जब्त कर लेंगे और क्या है। लेकिन उसको देना चाहिए था कितना, मान लीजिए कि क्योंकि हम दिए हैं 400 शेयर दिए हुए हैं, उस हिसाब से उसका बनता है कितना, 5 × 20, 20000 रुपया बनता है, 20000 रुपया, 20000 रुपया देना चाहिए। लेकिन बोला था ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास उतना था ही नहीं। अब आपके पास मान लीजिए 10 गो लैपटॉप है, 10 ही गो लैपटॉप बेचेगा ना, अब कोई आदमी 12 के लिए ऑर्डर देगा तो क्या करेगा, बोले कि नहीं है भाई, हाँ पैसा दे दो, अगले बार आएगा तो मत देना पैसा, वही बात है। तो देखिए, तो 20000 5000 रुपये एक्स्ट्रा है, बोलेंगे कहे हम रिटर्न करेंगे तुमको, हम अगला किस्त में उतना मैनेज कर देंगे, ठीक, अगला किस्त में क्या कर देंगे, मैनेज कर देंगे बाबू, ठीक। अब क्या हो गया, अगला किस्त में क्या हो गया, का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया, बनता कितना है, 400 शेयर अलॉट किए देते थे, 35 रुपये दर से 400 शेयर का बनता कितना, पहले ये देख लीजिए, 5 × 20 = 0, 2 × 4 = 12, 13 × 14 14000 बन रहा है, कि कितना पे देता, अलॉटमेंट पे देता कितना, और 25 रुपये दर से फाइनल कॉल पे कितना देता, 25 × 100, 100000, मतलब 10000 रुपये, इतना रुपया हमको मिल दे देता तो हम टेंशन नहीं फ्री रहते, कोई दिक्कत नहीं, तुम हमको दे देता। लेकिन अलॉटमेंट में 14000 रुपये तो बनता है, लेकिन देगा नहीं 14000 रुपये, बोलेगा क्यों, क्योंकि 14000 में से कुछ पैसा मतलब क्या 5000 रुपये दे दिया है, क्योंकि पहले ही दे दिया है ना, पहले ही दे दिया, 14000 रुपये बनता है अलॉटमेंट का, मेरा पैसा कि 14000 रुपये दो, ठीक ना। लेकिन जिसमें से 14000 में से भी क्या है कि 25 रुपया दर से 400 शेयर का, अर्थात कितना 10000 रुपया हो जाएगा, किसका, अलॉटमेंट का बनता है, और 10 रुपये दर से 400 शेयर का, मतलब 4000 रुपये किसका बनता है, प्रीमियम का बनता है, इतना पैसा बनता है, कि इतना पैसा हमको मिलने वाला था, इतना पैसा दे देता तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक ना। लेकिन बोला ये 14000 रुपया जो है जिसमें 5000 रुपये तो पहले दे दिए हैं, बोले अरे यार तुमको याद है, तो हाँ हाँ दिए हुए थे ना, तो बोले हाँ हाँ दिए हुए थे, अर्थात 5000 में से अब 14000 जो अलॉटमेंट में पूरा अलॉटमेंट में कितना मिलने वाला था, अलॉटमेंट का पूरा पैसा कितना मिलने वाला था, 14000 रुपया, ठीक। 14000 में से बोलेंगे 5000 रुपये तो दे दिए हैं, अर्थात अब कितना मिलने वाला था हमको, 9000 रुपये सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट में हमको देता, देता कितना 9000 रुपये देता, देता कितना 9000 रुपये देता, अलॉटमेंट का पैसा कितना देता अब, अलॉटमेंट का पैसा हम बोले हुए थे कि 14000 बन रहा मेरा मेरा अलॉटमेंट का प्रीमियम में सब कुछ लगा के, लेकिन तुम 9000 दो, क्योंकि 5000 रुपये पहले दे दियो, अर्थात अलॉटमेंट का कितना से हम क्रेडिट करेंगे, 9000 रुपये से, और 9000 रुपये मतलब अलॉटमेंट पे नहीं दिया है, और 10000 रुपये किस पे नहीं दिया है, इस पे नहीं दिया कि क्या नाम है, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, ये बोलेंगे हम, कितना कितना पैसा नहीं दिया है, 9000 रुपये अलॉटमेंट का नहीं दिया है और 10000 रुपये फर्स्ट कॉल का नहीं दिया है, अर्थात कितना हो गया, बोलिए अर्थात कितना रुपया दे दिया है, कितना रुपया दे दिया है बाबू, कितना रुपया दे दिया है ये बताओ तो, कितना रुपया दे दिया है, तो कितना रुपया दे दिया है, 25000 रुपया दे दिया है, जिसको हम बोले हुए थे फर्स्ट बार की जब्त करेंगे, 25000 रुपया दे दिया है,
पर जितना दे देता है उतना जब्त कर लेते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को 25,000 से क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम बोले कि अलॉटमेंट में मिलता बनना चाहिए था 14,000 रुपया, लेकिन 14,000 में से हम क्या बोले कि 9,000 रुपया दो, क्योंकि 5,000 रुपया पहले दे दिया है, अर्थात मिलने वाला कितना था 9,000 रुपया। फर्स्ट और फाइनल कॉल पर कितना 10,000 रुपया मिलने वाला था, उसमें कुछ पैसा नहीं दिया हुआ था, ठीक, अर्थात 19,000 रुपया हमको दे देता, हम उसको पूरा का पूरा शेयर दे देते, लेकिन नहीं दिया, लेकिन नहीं दिया तो क्या हो जाएगा आपको, हम जब्त कर लेंगे, बस बात खत्म। जब्त करने में, जब्त करने से क्या हो जाएगा, 25,000 रुपया पहले दे दिया तो उसको हम जब्त कर लेंगे, ठीक, और इसको दोनों क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, डिविजन बता दिए हैं, ठीक। अब वैसे भी जोड़िए, देखिए 25,000 रुपया पहले दे दिया है, वैसे भी जोड़ेंगे, और 19,000 रुपया 25,000 रुपया पहले दे दिया है, नहीं 25,000 रुपया पहले दे दिया है कितना कि 9,514,000,23,023,000 44,000 रुपया मिलना चाहिए था हमको पूरा पूरा। तो ऐसे भी जोड़ते हैं, देखिए पैसे भी जोड़ते हैं, देखिए 44,000 रुपया मिलना चाहिए था, 44,000 रुपया कितना है, 110 रुपया का चीज़ है ना, 100 रुपया की चीज़ 10 रुपया प्रीमियम बेच रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब 110 रुपया दर से 4,000 शेयर उसको दिए हैं, 400 शेयर अर्थात 11×44 1,2,3 मतलब 44,000 रुपया मिलना चाहिए था हमको, ठीक है, जिसमें 40,000 रुपया कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा, 4,000 रुपया प्रीमियम का ले रहे हैं, 44,000 रुपया मिलना चाहिए, जिसमें से क्या हुआ 25,000 रुपया पहले ही दे दिया, अर्थात कितना नहीं दिया हो तो 19,000 रुपया नहीं दिया है, वही बात है 19,000 रुपया नहीं दिया, इसका मतलब 25,000 रुपया दे दिया, तो उसको हम जब्त कर लेंगे, जब्त कर लेंगे बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जब्त कर लेंगे। अब क्या कर दिया, उसी चीज़ को हम फिर से बेचे, अब कितना बेच रहे हैं क्या वो देखना पड़ेगा। द कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड एट 105, अरे भाई ये तो बढ़िया वाला बात है कि 100 रुपया का चीज़ को अब हम कितना दोबारा बेचे, सेकंड हैंड में भी बेचे तो 105 में बेच दिए, बढ़िया बात है 105 में बेच दिए, देखिए हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 400 शेयर को 105 में बेच रहे हैं, अर्थात 42,000 रुपये मिल रहा है, ओह बढ़िया वाला बात है, 42,000 रुपये आएगा, उसमें से 40,000 रुपये कहाँ चले जाएगा, कैपिटल में चले जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में 2,000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है, हाँ तो वो कहाँ चले जाएगा, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जा जाएगा, क्योंकि 100 रुपये की चीज़ था लेकिन 105 में बेचे थे, वो एक्स्ट्रा पैसा हुआ तो कहाँ चल ट्रांसफर होता, प्रीमियम अकाउंट में, और जो बाकी बचा 25,000 रुपया कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में हो जाएगा, रीजन बता दिए, अगर फिर भी नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए आप देख लीजिए, ठीक, थैंक यू सो मच, फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए।